हेलो स्टूडेंट्स, आम पूर्व वीडियो रे आम स्टैंडर्ड 8 रो गोटे ग्रामर पढ़ी तो आज आम गोटे गद्य पाठ को जीपा जार ना होची दरिया दखल। ओके, दरिया आम जानते समुद्र दखल माने को निज अख्तियार करिबा, तो दरिया को दखल करिबा यार लेखिका किए ना अन्नपूर्णा महाराणा। तो ये अन्नपूर्णा महाराणा किए आम विषय पढ़ा। अन्नपूर्णा महाराणा जे कि 1970 जन्म था बाख्राबाद कटक, कटक्र जो बाख्राबाद अच्छी तो सेठे से 1970 जन्मग्रहण करते। पिता थे गोपबंधु चौधरी और माता थे रमादेवी चौधरी। उभय त्यागी देशप्रेमी और समाजसेवी थे। ओबियसली आम रमादेवी विषय जाणी आम स्टाण्डार्ड 7 पढ़ी थे मो पिलाबेल कथा। जो रमादेवी विषय आम पढ़ी ई होंगे कन्या बा सुपुत्री अन्नपूर्णा महाराणा मान अन्न जो अमर थे रमादेवी, रमादेवी चौधरी झी होती अन्नपूर्णा महाराणा। ओके, ये थिले पिता माता जेहेतु थिले देश प्रेमी त्यागी आउ समाजसेवी निहाती भाव अन्नपूर्णा महाराणा भी निहाती भाव से ही प्रकार बापा माँ को शिखी थे। ओके, से भी गांधीजी और संथ विनोबा भावे प्रभृति भारतीय चिंता नायकों केतेक अमूल्य ग्रंथ से ओडिया अनुवाद कर गांधीजी केतेटा जो कि ओडिया अनुवाद कर संथ विनोबा जी की विषय भी किछिटा अमूल्य ग्रंथ से ओडिया रे अनुवाद करिसेंति। ओके, गीता प्रवचन तरुणी कन्या प्रति भागवत धर्मसार और शिक्षा तत्व इत्यादि तांकर केतोटी जनप्रिय रचना। से गीता प्रवचन लिखिथिले, तरुणी कन्या प्रति लिखिथिले, भागवत धर्मसार और शिक्षा तत्व ए सब केतोटी तांकर जनप्रिय रचना से निजे लिखिथिले। एही रचनाटी जो लेखिकांकर आत्मजीवनी अमृत अनुभवरु ही संग्रहित होती। यहाँ हूँ आत्मजीवनी पुस्तक अच्छे आत्मजीवनी निज जीवनी उपरे लिखित कौन अमृत अनुभव ते अनुत अमृत अनुभव पुस्तक रु ही आसी दरिया दखल। ओके, तो क्यों समय विषय क्यों समय घटना विषय वर्णन करें पढ़ा। ये हूँ स्वाधीनता आंदोलन समय दांडी लवण सत्याग्रह संबंध में वर्णना और महात्मा गांधी नेतृत्व नेतृत्वर अनन्यता यही रचन उद्भासित होती। तो स्वाधीनता आंदोलन समय स्वाधीनता आंदोलन चली आम जानते बहुत सारा सत्याग्रही देशप्रेमी तो समस्ते पार्टिसिपेट से कौन अंशग्रहण करते। ओके, तो गांधीजी नेतृत्व में आमर स्वाधीनता आंदोलन भी चली। तो से समय महात्मा गांधी जो नेतृत्व में जहाँ सब वर्णना होता से विषय आम विषय आम पढ़ाक पाइबा। ओके, गांधीजी नेतृत्व में महात्मा गांधीजी नेतृत्व में आमर स्वाधीनता संग्रामी माने जो स्वाधीनता आंदोलन करते जो दांडीठे लवण सत्याग्रह करते से विषय से वर्णना करोटा कि आम टॉपिक रे पढ़ाक पाइबा। ओके, आम नेक्स्ट कंटिन्यू करिबा। दांडी रे गांधीजी लवण आईन अमान्य कर सारापर चारिड़े लवण आईन अमान्य करने से कौन निर्देश देले। ओके, दांडी रे गांधीजी लवण आईन अमान्य कर सारापर चारिड़े लवण आईन अमान्य करने को निर्देश दे प्रथम दांडी ठारे लवण आईन अमान्य करते गांधीजी तो तापर से सबुआड़े कही कौन लवण आईन अमान्य करने लवण आईन अमान्य करने को से कहीं कहले आम जाचे जे विदेशी आम मानक शासन करुले। ओके, तो विदेशी जो शासन कर सब जगार कौन लगे आमर जिनस द्रव्य उपर से टैक्स लगे अल्प मूल्य जिनस को बहुत मूल्य बिक्री करते जो थी गरीब लोक मैंने से जिनसटा को कौन सहजे किणी पा नते। तो लुण कथ आसीगले लुण तो हूँ बिना लुणरे तो खाद्य अरुचिकर ते निहाती भाव समस्त दरकार लुण से गरीबर भी दरकार लुण एवं धनीर भी दरकार लुण तेणु लुण पर जितेबले ब्रिटिश मैंने निजर बल देखले ये भी हूँ संपत्ति बोली तो से गांधीजी कौन कले ना कि केतेज सत्याग्रही को धरी से दांडी ठारू कौन दांडी ठारू आरंभ कले लवण आईन अमान्य कर से दांडी रे गांधीजी लवण आईन अमान्य आरंभ करते से समस्त को निर्देश देते चारिड़े लवण आईन अमान्य करने आईन को अमान्य करवा आईन को अमान्य मान कौन ना जो आईन बनी जो ल बनी मानवा ना। ओके, एम तो बहुत सारा रूल बनते जोटा कि आम देखा तुम हिस्ट्री विषय पढ़ाक पढ़ी थी आई थिंक। ओके, तो दांडी ठारु 4 माइल दूर 8 नामक स्थान रे केतक सत्याग्रही लुण मारिबा को कौन कले गले कोठी दांडी ठारु ठीक 4 माइल दूर रे गोटे ना अच्छे 8 नामक स्थान। ओके, तो ये 8 नामक स्थान को केतज सत्याग्रही लुण मारिबा को गले तो मुँह कहली गांधीजी कौटी लवण मारे दांडी ठारे
दांडी ठारू गुजरात ओके तो ये जो चार दांडी ठारू ठीक 4 माइल दूर से गोटे आउ गोटे स्थान थी आठ आठ थारे आठ ठारे सत्याग्रही केतेज सत्याग्रही से जगह को लुण मारे गले कहीं गले कहीं गांधीजी निर्देश देते ना तुम्हें अन्य आड़े सबुआड़े लवण आईन मान्य करने तो केतेज सत्याग्रही से लुण मारे गले ओके तो से लुण मारे आरंभ कर पुलिस से मानु लुण मटी चढ़े छड़ेवा चेष्टा कले तो से जमी लुण मारे चेष्टा कर तो पुलिस कौन कले ना पुलिस से लुण मटी छड़ेवा कौन कले चेष्टा कले तो सत्याग्रही तो सत्याग्रही को कौन कले तो जेहेतु लुण तेणु से लुण छाड़िया को चेष्टा लुण को छाड़िले ना तो से लुण मटी मुठे धरवर पुलिस कौन कला ना हाथ को मोड़ी देला ओके तो पुलिस कौन कला ना हाथ मोड़ी देले तो ये सत्याग्रही कौन लुण छाड़िले हाथ रू तो जेहेतु मैंने हाथ छाड़िले तो निहत पुलिस कौन कर हाथ मोड़ छड़े चेष्टा कर तो से ही पुलिस हाथ मोड़ा चेष्टा कले हाथ मोड़ा मोड़ी भितर ठेला पेला भी है तो ठेला ठेली भी कले फल समय कौन है जो ठेला पेला हाथ मोड़ा मोड़े फल जनकर मणिबंध मणिबंध आम कौचे मणिबंध को ओके हाथ तल को जोड़ा कौच बापुल तल को जोड़ा अच्छे कहे आम मणिबंध जनकर मणिबंध जखम हो गला किसी जखम मान कि फ्राक्चर आई थिंक हो पारे कि खंडिया खबर हुए ओके जखम है सामान्य रक्तपात तो ये जो ठेला पेला है तो ठेला पेला क्या क्या भितर ना पुलिस आ सत्याग्रही मानक भितर तो से लुण मारे चाहूँगे कौ मैंने सत्याग्रही मैंने तो पुलिस कहे आम लुण मारे दबू ना तो ये लुण मटी को कौन कले मुठे की धरले तो ये कौन कले मुठे मो हाथ को कौन फिटे चेस्टा कले तो एमती हाथ फिटा फुटी मोड़ा मोड़ी में ठेला पेला है जोद्वारा कि सेठे सामान्य रक्तपात सृष्टि जो ग्रामवासी मैंने तो आम कह तो ये सत्याग्रही मैंने लुण मारुले तो ये किसी देखणा हारी थे सेठिकार जो आठ रामवासी थे देखणाहारी मैंने क्या कहते जो मैंने कि से जगार उपस्थित रहीक सब कथ को देखुले से कहगला देखणाहारी ओके तो जो ग्रामवासी देखणाहारी भाव से ठारे तो से कौन ना समस्ते हठात कौन कले ना समुद्र पंता मैंने बोले आम कौन कह तो समुद्रर पंता कहले मानने समुद्रर जो निर्जन अंचल अच्छे समुद्र कूलवर्ती जो निर्जन अंचल को कह जाए समुद्र पंता ओके जमी आम कह नदीकूल सेमती समुद्र पंता कह ओके ओके तो से जो समुद्र पंतार कौन करवा से कौन कले ना समुद्र पंतार लुण मटी साउटा आरंभ करदे तो ये कौन कले चान्स मारे कहीं एपटे देखे स्वाधीनता संग्रामी आपटे पुलिस तो माड़गुड़ी होती तो ये कौन कले तो लुण मिलू नाला तो ये माड़गुड़ी एने कौन कले ना एत परिमाण पूरा समुद्र पंतार कौन एकाठी आसिक कौन कले लुण मटी साउटा आरंभ करते से पिला काखे स्त्री लोक बहु संख्यार थे तो से अधिक थे किए ना छोट पिला काखे स्त्री लोक किसी तो ये संख्यक लोक हठात बहु परिमाण में लुण मटी संग्रह करवा देखी पुलिस निश्चेष्ट हो गला निश्चेष्ट मान कौन ना कि मानने चेष्टा शून्य मानने कि चेष्टा करें मान कि करते परिमाण में हठात कि लोक माड़ आसिले कौन लुण मटी साउंटा को तेणु एत पर जो लोक आसीगले पुलिस आ किसी करानी तो तेणुक पुलिस से जगह किसी करानी लोक मानते कौन और जो बाड़े बाग लाठीचार्ज कर एमती भी किसी करा ना हठात सब जिन तो जो दिन ये सब घटला से दिन थी सोमवार तो गांधीजी सोमवार दिन कौन कहते ना मौन व्रत पालन करते मौन व्रत मान कि न कह आम मौन व्रत पालन कर बेल बेल कौन कहें कथने तो सही कहते मौन व्रत तो गांधीजी सोमवार दिन किसी कहले ना कारण ना से दिन तक मौन व्रत थी से निजे किसी कहीपारे ना बोली श्रीमती सरोजिनी नायडू को और न्यायमूर्ति आवास तयवाजी को आठ को पठाइले एवं यंग इंडिया पत्रिकार लिखिले ओके तो से दिन से किसी कहीपारे ना गांधीजी तेणु से दुजन को पठेले किए सरोजिनी नायडू और न्यायमूर्ति आवास तयवाजी ओके तो ये दुईज को से पठेले कौटे कि आठ को कहीं गोटे इनसीडेट हो कहीं सत्याग्रही मैंने पुलिस मान भर में जो ठेला पेला है तेणु ये समय किसी तो गोटे सर्ट आउट हम ना गांधीजी तो जापारे तेणुक से समय कौन कले ना गांधीजी तो ये दुज को पठेले तो एवं से जगार पठेवा सहित गांधीजी कौन कले यंग इंडिया पत्रिकार लिखिले यंग इंडिया पत्रिका जो पत्रिकार कि गांधीजी लिखिले कौन ना लुण हो राष्ट्र आत्मसम्मान
ପ୍ରତୀକ। ତ ଏଠି ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଯେ ଋଣ ହେଉଛି ଆମ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ, କେହି ଜବରଦସ୍ତି ହାତକୁ ମୋଡ଼ି ତାହା ଛଡ଼େଇ ନ ନେବା ଯାଏଁ ସେ ଋଣ କାହାରିକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ୟଙ୍ଗ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପତ୍ରିକାରେ, କହିଲେ ଏ ଋଣ ହେଉଛି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପ୍ରତୀକ। ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ମାନେ ନିଜର ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ, ତେଣୁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ କିଏ କ'ଣ ପାଦ ତଳେ ଦଳି ଦିଏ, ତେଣୁକରି କେହି ଆମର ହାତ ମୋଡ଼ି ଋଣକୁ ଛଡ଼େଇ ନ ନେବା ଯାଏଁ ଏ ଋଣ କାହାରିକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଆର୍ଟରେ ଲବଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟକାରୀମାନେ ଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଋଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଚାପିରେ କରି ରଖିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି। ତ ଏହା ହିଂସା ନୁହେଁ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିବି ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଋଣକୁ ମାରିଛ ନା, ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିଛ, ତାକୁ ଆପଣ ଛାତିରେ ବି ଚାପିକି ରଖିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ହିଂସା ନୁହେଁ। ତେଣୁ କାହିଁକି ହିଂସା ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଏ ଯେଉଁ ଋଣ ଦେଖୁଛ ନା, ଏ ଋଣ ହେଉଛି ଆମ ନିଜ ଦେହର ରକ୍ତ ପରି, ଏ ଋଣ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରିୟ, କାହିଁକିନା ଆମ ଦେଶର ମାଟିରେ ସଂଗ୍ରହିତ ହୋଇଥିବା ଏ ଋଣ, ଆମ ଦେହରେ ଯେମିତି ରକ୍ତ ବୋହୁଛି, ଏ ଦେଶର ମାଟିରେ କ'ଣ ବୋହୁଛି, ଲୁଣ ବୋହିଛି, ତେଣୁ ଏ ଲୁଣ ବି ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେହର ରକ୍ତ ପରି ପ୍ରିୟ। ମୋର ଆଶା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ କଷ୍ଟ ସହିବା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏ ପୋଲିସଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଆଶା ଏହା ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିବାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିହାତି ଭାବରେ ପୋଲିସଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ ନା ହିଂସାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ଅହିଂସା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଗାଲକୁ ଯଦି ମାରିଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲକୁ ଆମେ ଦେଖେଇ ନେବା, ତେଣୁ ଆମେ କଷ୍ଟ ସହିବା, ତେଣୁ ଏ କଷ୍ଟ ସହିବାର ଶକ୍ତି ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିହାତି ଭାବରେ ଦିନ ଏମିତି ଆସିବ ଯେ ହୃଦୟ ଏ ପୋଲିସମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ପୋଲିସର ଜୋର ଜବରଦସ୍ତିକୁ ଖାତିର ନ କରି ଆପଣମାନେ ନିଜ କାମ କରିଯିବା ଉଚିତ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ପୋଲିସର ଜୋର ଜବରଦସ୍ତିକୁ ଖାତିର କରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ ନିଜ ନିଜର କାମ କରିଯିବେ। ଏହି କଥା ସେ ତାଙ୍କର ୟଙ୍ଗ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପତ୍ରିକାରେ ଲେଖିଲେ। ଓକେ, ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।